Welcome to the yet another session on computer networks. The topic of today's discussion is ISDN, Integrated Services Digital Network. So ISDN actually changed the approach of the communication networks. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ISDN होता क्या है और कब ये existence में आया. तो before starting the data communication, तो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम ऑलरेडी नेटवर्क इस्टेब्लिश कर चुके थे, दैट इज टेलीफोन नेटवर्क. और टेलीफोन नेटवर्क में वी वर यूजिंग द कॉपर केबल्स फॉर द वॉइस कम्युनिकेशन. वॉइस कम्युनिकेशन के बाद ट्रेंड स्टार्ट हुआ डेटा कम्युनिकेशन का. तो लेकिन अब दिक्कत हो गई, क्योंकि इनिशियली जब हमने टेलीफोन नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था तो दैट वॉज नो इस्टेब्लिश्ड कीपिंग इन व्यू द वॉइस कम्युनिकेशन. So initially that was for the voice communication only, but with the new technologies, with the new inventions, फिर voice के बाद data communication का concept introduce हो गया market में. लेकिन जो हमने पहले network establish किया था वो था voice के लिए. और voice के network पे अगर आपने suppose कीजिए एक चीज बनाई है ना, let's assume that आपने आपने कोई चीज invent करी, for example let's suppose a pen. So the main purpose of the pen is to write on the paper. Lekin suppose kijiye baad mein on touch screen devices aa gaye, you cannot use that pen for the touch screen device, kyunki uska jo purpose hai, jis purpose ke liye uska design hua hai, that is totally different. To isi tarah se jab initially humne voice network establish kiya to humne uska jo main motive tha wo tha voice ko carry karna, wo bilkul usi ke hisab se design hua tha. That was basically वो ज्यादातर एनालॉग नेटवर्क था, कॉपर केबल्स यूज होती थी. लेकिन उसके बाद जैसे ही डेटा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने क्या सोचा कि नया नेटवर्क इस्टेब्लिश करने से अच्छा है कि हम पुरानी लाइंस को यूज करें. बट अब वो लाइंस जो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज हमने इस्टेब्लिश करी है, अब उस पर हम डेटा कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे. तो ऑब्वियसली दिक्कत आनी थी, तो दिक्कत आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उस वॉइस पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जिस जो स्पेसिफिकली डिजाइन थी फॉर वॉइस कम्युनिकेशन. अब उसी पे डेटा हमें ट्रांसमिट करना था. लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो पहला कॉन्सेप्ट आया जिसने बिल्कुल ट्रेंड चेंज करके रख दिया मार्केट के, वो था ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. नाउ इंटीग्रेटेड सर्विसेज, सो इट मीन्स देयर आर मल्टीपल सर्विसेज दैट आर being provided on a single network. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं integrated services digital network. Integrated services means we are talking about more than one service. तो actually we are talking about the data services and voice services together. तो ISDN ने वो concept introduce किया कि हम अलग अलग जो अपनी voice और data services हैं उसको एक ही network पे provide करते हैं. तो ये पहली बार जो concept जो ये मल्टीपल सर्विसेज ऑन अ सिंगल लाइन का जो नोशन है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ISDN. तो ISDN वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर दैट इज ITU-T इन 1976. सो ISDN इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट कंबाइंस डिजिटल टेलीफोनी एंड डेटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ओवर अ सिंगल लाइन. तो अब हमने इसमें किया क्या, वी ISDN इन्वॉल्व्स डिजिटाइजेशन ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क विच परमिट्स वॉयस डेटा टेक्स्ट ग्राफिक्स म्यूजिक वीडियो एंड अदर रिसोर्स मटीरियल टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ एग्जिस्टिंग टेलीफोन वायर्स. So that was the actual concept of the ISDN. Now ISDN basically offers three types of services: bearer services that are basically data services, tele services that are basically the services related to the telephone, and the elementary services. Elementary services like call waiting, call diversion. तो मतलब जो एड ऑन सर्विसेज है दैट आर नोन एज एलिमेंट्री सर्विसेज. आपकी डेट आपकी यूजेज के जो आपको बताना है, आप अपनी यूजेज चेक कर सकते हो, आपके प्लान की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, ऑल दीज आर काउंटेड इन एलिमेंट्री सर्विसेज. तो
तो ISDN basically offers three types of services. Bearer services means data services. तो जो हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं ओवर द ISDN नेटवर्क वो सारा आता है अंडर द bearer services. द सेकेंड इज टेली services, जो भी हमारी टेलीफोनी है मतलब वॉइस कम्युनिकेशन के लिए फैक्स के लिए उन सारी सर्विसेज को हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग टेली सर्विसेज. एलिमेंट्री सर्विसेज द एड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ISDN लाइक कॉल वेटिंग, कॉल डाइवर्जन, नोइंग योर प्लान, नोइंग योर यूजेज एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल दीज आर काउंटेड इन एलिमेंट्री सर्विसेज. सो three types of services. Bearer services means the data services. Tele services means the services related to the telephony, voice communication, fax, etc. And elementary services are add-on services. For example, call waiting, call diversion, checking your validity, checking your data usage, etc., etc. So this diagram shows the clear cut types of services that are provided by the ISDN services. So aap dekh sakte ho bearer services, isme hum data services provide kar rahe hain, lekin data services provide karne ke liye hum char technologies use karte hain. Isme circuit switching aapko pata hai, packet switching aapko pata hai, now frame switching. Frame switching is a similar concept to the message switching, lekin frame ka size chhota hota hai. तो सर्किट स्विचिंग में हम कॉन्टिन्यूस बिट्स भेजते हैं, पैकेट स्विचिंग में हम पैकेट्स भेजते हैं, और फ्रेम्स जो होते हैं वो भी द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स ही होते हैं. एंड द फोर्थ इज सेल स्विचिंग दैट आर यूज्ड फॉर द एलिमेंट्री सर्विसेज स्पेसिफिकली. तो टेली सर्विसेज में आ गया टेलीफोनी, टेलीफैक्स, टेलीटेक्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज यू कैन ऑब्जर्व कॉल वेटिंग, रिवर्स चार्जिंग, मैसेजिंग हैंडलिंग. All these are counted in supplementary services. Now, the principles of the ISDN. So, there are six principles of the integrated services digital networks. So, जो ये principles हैं वो क्या हैं? तो पहला principle है to support voice and non-voice applications. So, it means voice and data. So the first principle of the ISDN is to support the voice and non-voice applications. Non-voice application here means data services. So data mein hum har cheez ko count karenge, text ko, graphics ko, audio, video, etc. Video, files, and audio. तो जो पहला प्रिंसिपल था, जो बेसिक प्रिंसिपल है ISDN का, कि दोनों चीजों को सपोर्ट करना है, वॉइस को भी सपोर्ट करना है और डेटा को भी सपोर्ट करना है. द सेकेंड प्रिंसिपल इज टू सपोर्ट स्विच्ड एंड नॉन स्विच्ड एप्लीकेशंस. आई मीन यू कैन यूज either packet switching or circuit switching on the ISDN. ISDN ने आपको ये दोनों provisions दी कि चाहे आप circuit switching की application use कर लो, चाहे आप packet switching की application use कर लो. तो ये बहुत बड़ा एक revolution industry में कि सारा कुछ provide कर रही है service, plus it depends upon you कि आप उस network को कैसे use करना चाहते हो. So the third is reliance on 64 kbps connections. क्योंकि जो पहले टेलीफोन नेटवर्क इस्टेब्लिश हुए थे उनकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, तो ISDN basically relies on the 64 kbps connection, low data rates. The fourth is intelligence in network. Intelligence in network means multiple services को integrate करना और उसको manage करना, क्योंकि आप अब एक ही नेटवर्क पे डेटा भी भेज रहे हो, वॉइस भी भेज रहे हो, उसमें स्विचिंग सर्विसेज भी हो सकती, मतलब स्विचिंग सर्विसेज भी हो सकती हैं, नॉन स्विचिंग सर्विसेज भी हो सकती हैं. तो योर नेटवर्क मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल ऑल दीज काइंड्स ऑफ चेंजेस. तो ISDN में ये सारे प्रोविजन थे. लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, तो OSI मॉडल के कॉन्सेप्ट को इसने कंप्लीटली फॉलो किया. इट
द ISDN बेसिकली यूज द लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर. इसने डिफरेंट सर्विसेज को डिफरेंट प्रोसीजर में डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया. एंड नंबर सिक्स, नंबर सिक्स इज वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस. वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस तो अब बिल्कुल ही क्लियर है आपको कि आप आई मीन अपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ सर्विस ऑन द ISDN. यू कैन टाइप एनी काइंड ऑफ स्विचिंग मेथड्स ऑन द ISDN. सो दीज आर द सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ISDN. नाउ टॉकिंग अबाउट द ISDN डिवाइसेज एंड रेफरेंस पॉइंट. ISDN में कौन कौन से डिवाइसेज यूज होते हैं और कैसे कैसे रेफरेंस पॉइंट मीन्स इंटरफेसेस. तो डिफरेंट डिवाइसेज हैं तो उनमें इंटरफेसेस भी अलग अलग होते हैं. इंटरफेसेस अलग होने का मतलब बहुत ही क्लियर है. जैसे सपोज कीजिए आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करना है तो उसके लिए अलग है. अपने डेस्क अपने मॉनिटर को कनेक्ट करना है उसका इंटरफेस अलग है. तो रैम को कनेक्ट करना है उसका अलग है. सीपीयू का अलग है. तो इसी तरह से ISDN के जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के इंटरफेसेस भी अलग अलग है. तो इन इंटरफेसेस को हम डिस्कस करेंगे इन रेफरेंस पॉइंट्स. बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन द ISDN. तो हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहले हैं जी टर्मिनल इक्विपमेंट्स. टर्मिनल इक्विपमेंट्स में हमारे पास दो है, टर्मिनल इक्विपमेंट वन एंड इक्विपमेंट टू. दूसरे हैं हमारे पास टर्मिनल अडेप्टर्स एंड थर्ड आर नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेज. उसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज है, नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेज वन एंड नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेज टू. तो नेक्स्ट डायग्राम से ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा. इससे पहले कि हम डिवाइसेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करें एक बार रेफरेंस पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं. तो नेक्स्ट डायग्राम में ये मैं दोनों चीजें क्लियर कर दूंगा, डिवाइसेज भी और रेफरेंस पॉइंट भी. और जो रेफरेंस पॉइंट है मतलब टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस हैं अमंग द ISDN डिवाइसेस वो हैं R, S, T, U. U इज ऑप्शनल, दिस इज यूज्ड इन यूरोप ओनली. लेकिन होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. तो तीन तरह के डिवाइसेस हो गए, टर्मिनल इक्विपमेंट्स, टर्मिनल अडैप्टर्स एंड नेटवर्क टर्मिनल डिवाइसेस, टर्मिनेशन डिवाइसेस. और चार तरह के इंटरफेसेस हो गए, R, S, T एंड U. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं जी ये NT1 और NT2 क्या होते हैं. तो NT1 आर द डिजिटल डिवाइसेस. अगर आपका एंड, सो दीज आर द एंड डिवाइसेस. सबसे पहले देख लेते हैं जो एंड डिवाइसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल इक्विपमेंट्स. एंड डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल इक्विपमेंट्स. तो टर्मिनल इक्विपमेंट्स में आपके पास दो तरह के थे, TE1 एंड TE2. जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं दैट आर कंपेटेबल विद द ISDN उसको हम बोलते हैं TE1. क्योंकि ISDN था वो सारा डिजिटल कॉन्सेप्ट था. तो जो आप अगर आप अपना एंड डिवाइस आपका डिजिटल है तो उसको हम बोलेंगे TE1. लेकिन ISDN नॉन डिजिटल डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है. एंड द नॉन डिजिटल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द ISDN आर कॉल्ड TE2. तो इस केस में डायग्राम में आप देख सकते हो TE1 और ये दोनों है ISDN कंपेटेबल डिवाइसेस. लेकिन ये जो थर्ड डिवाइस है, ये जो थर्ड एंड डिवाइस है या टर्मिनल इक्विपमेंट है, दिस इज स्टैंडर्ड टेलीफोन, एनालॉग टेलीफोन. लेकिन ISDN आपको प्रोविजन देता है कि आप एनालॉग मतलब नॉन डिजिटल डिवाइस को भी ISDN के साथ कनेक्ट कर सकते हो. अगर आपका एंड डिवाइस है डिजिटल तो हम बोलेंगे TE1. लेकिन अगर आपका एंड डिवाइस है नॉन डिजिटल, नॉन ISDN कंपेटेबल, तो उसको हम बोलेंगे TE2. तो अगर आपका डिजिटल डिवाइस है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क टर्मिनेशन पॉइंट से. लेकिन अगर आपका डिवाइस एनालॉग है, नॉन ISDN है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टर्मिनल अडेप्टर. तो आई होप आपको अब ये दोनों चीजें एक्चुअली समझनी बहुत इजी है. जो ISDN जो डिजिटल एंड डिवाइसेस हैं वो TE1,
जो नॉन डिजिटल नॉन ISDN डिवाइसेज हैं वो TE2 TE1 डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जो नॉन डिजिटल है नॉन ISDN डिवाइस है उसको ISDN नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, टर्मिनल अडेप्टर, दिस थिंग। तो ये पहली चीज हो गई जी, टर्मिनल इक्विपमेंट्स, और दूसरा हो गया टर्मिनल अडेप्टर। टर्मिनल अडेप्टर आपको तब यूज करना, आपको जरूरत पड़ेगी जब आप नॉन डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करोगे विद द ISDN नेटवर्क। तो चलिए जी, अब बात करते हैं नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस की। तो जो नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस आपके घर तक आ रहे हैं, आपके एंड डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क के साथ, उनको बोलते हैं NT2। मींस जो टर्मिनेशन पॉइंट एंड डिवाइस को कनेक्ट करेगा नेटवर्क के साथ वो उसको बोलते हैं NT2, नेटवर्क टर्मिनेशन 2। और जो आपके NT2 को ISDN स्विच के साथ कनेक्ट करेगा उसको बोलते हैं नेटवर्क टर्मिनेशन 1। तो ये तो हो गया सर्विस प्रोवाइडर की साइड पे, ये सारा ट्रांसपेरेंट है, यूजर को इसका कुछ नहीं पता। लेकिन यूजर के घर पे उसका जो उसका टर्मिनल होता है वो कनेक्ट होता है विद द NT2, और NT1 जो है वो कनेक्ट करता है NT2 को ISDN स्विच के साथ। ISDN switch is nothing but the backbone of the ISDN network. तो अब ये सारे हो गए तीन अलग अलग तरह के devices. तो ये अगर तीन अलग अलग तरह के devices हैं तो इनको connect करने के लिए interface भी अलग अलग होंगे। तो आपके घर के terminal को end device को devices को जो interface NT2 के साथ connect करता है उसको बोलते हैं S interface। और आपके नॉन टर्मिनल डिवाइस को टर्मिनल अडेप्टर के साथ जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं आर इंटरफेस। जो ये आपका आर इंटरफेस, इंटरफेस मींस केबल्स अलग अलग होंगी, इसमें जैसे दो वायर्स होंगी, इसमें 8 पिन RJ45 यूज होगा, है ना, 8 पिन होंगी, और जो कनेक्टर यूज होगा वो RJ45 यूज होगा। लेकिन आपका जो एनालॉग होता है टेलीफोन उसमें दो वायर्स होती हैं, 4 पिन होती हैं, तो वो आर इंटरफेस है। तो इसी तरह से NT1 और NT2 को कनेक्ट करने वाले केबल को इंटरफेस को हम T बोलते हैं, और NT1 को ISDN स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए जो इंटरफेस यूज होता है उसको हम बोलते हैं U इंटरफेस। एंड ISDN मल्टीपल ISDN स्विच्ड नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय विद ईच अदर यूजिंग स्विच्ड नेटवर्क, पैकेट नेटवर्क और अ प्राइवेट लाइन नेटवर्क। जैसे प्राइवेट लाइन नेटवर्क में यू हैव द प्रोविजन, आप सर्किट स्विचिंग यूज कर सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग यूज्ड इन द ISDN नेटवर्क। उसके बाद बात करते हैं जी ISDN चैनल्स की, कम्युनिकेशन के लिए जो एक्चुअल में आपका डेटा और टेलीफोन सर्विसेज को कैरी करेंगे वो चैनल्स कौन कौन से हैं। तो ISDN में जी तीन तरह के चैनल्स यूज होते हैं, बी चैनल, डी चैनल एंड एच चैनल। बी चैनल इज यूज टू कैरी द डेटा, और बी चैनल की जो बैंडविड्थ होती है दैट इज 64 KBPS। डी चैनल इज यूज फॉर द कंट्रोल, और कंट्रोल चैनल का जो होता है इट इज 16 और 64 KBPS। तो तीसरी तरह के चैनल हो गए एच हाइब्रिड। तो अब यहां से बी चैनल मींस बियरर चैनल है, बियरर चैनल मींस द चैनल दैट इज यूज्ड टू कैरी द डेटा। तो डी चैनल जो है आपका दैट इज यूज्ड टू कैरी द कंट्रोल सिग्नल, एंड एच इज द हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये आपकी हाई बैंडविड्थ के लिए यूज होते हैं। तो हाइब्रिड चैनल तीन तरह के हो सकते हैं, H0, H11, H12। H0 में आपका डेटा रेट हो सकता है अप टू 384 KBPS, H11 में 36 KBPS, एंड H12 में इट कैन बी 1920 KBPS, 1.9 Mbps, 1.5 Mbps एंड 384 KBPS। नाउ टॉकिंग अबाउट द ISDN सर्विसेज, दो तरह की सर्विसेज हैं जी, बेसिक रेट इंटरफेस एंड प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो नाम से ही क्लियर है,
बेसिक रेट इंटरफेस में डेटा रेट कम होगा और प्राइम रेट इंटरफेस में डेटा रेट ज्यादा होगा। लेकिन अब आप ये पूछोगे जी बी चैनल तो 64 kbps ही कैरी कर सकता है, तो फिर डेटा ज्यादा कम ये कैसे हो गया? तो सोल्यूशन देख लो, बेसिक रेट इंटरफेस में हम क्या करते हैं, दो बी चैनल्स को कंबाइन करते हैं और एक डी चैनल को कंबाइन करते हैं। अब एक बी चैनल की बैंडविड्थ कितनी होगी, 64, तो दो बी चैनल्स को कंबाइन करा तो बैंडविड्थ कितनी हो गई, 128 kbps, और इसमें जो बी आर आई में डी चैनल होता है वो 16 kbps का होता है, तो टोटल बैंडविड्थ कितनी यूज हो गई, 128 + 64, दैट इज 144 kbps, क्योंकि आपने दो बी चैनल्स को कंबाइन कर लिया ना, एक बी चैनल की बैंडविड्थ होगी 64, दो को कंबाइन करके होगी 128, और कंट्रोलिंग के लिए आपने जो डी चैनल यूज किया उसकी बैंडविड्थ है 16 kbps, तो टोटल बैंडविड्थ कितनी होगी, 144 kbps। लेकिन ये एक्चुअल में 144 kbps नहीं होती, हम एक्स्ट्रा 48 kilobits लेके चलते हैं फॉर ऑपरेशन ओवरहेड, क्योंकि आपने मल्टीपल सर्विसेज को कैरी कर रहा है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा विल बी देयर, सो यू नीड टू काउंट दिस थिंग, द फ्रेमिंग ओवरहेड, सिंक्रोनाइजेशन, इसके पर्पज के लिए हम यूज करेंगे 48 kbps का ओवरहेड। तो आप 144 में 48 kbps का ओवरहेड ऐड कर दो, तो टोटल जो बैंडविड्थ यूज होगी दैट विल बी 192 kbps इन बेसिक रेट इंटरफेस। तो आप देख सकते हो टोटल कॉम्पोजिशन इज 192 kbps, दो बी चैनल्स हो गए ऑफ 64 kbps, वन डी चैनल 16 kbps, एंड ओवरहेड इज 48 kbps। बी चैनल यूज होंगे डेटा वॉइस के लिए, डी होगा सिग्नलिंग के लिए, और ओवरहेड चैनल यूज कर रहे हैं फॉर फ्रेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन एटसेट्रा। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस इज कॉल्ड प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो अब प्राइमरी रेट इंटरफेस मीन्स ज्यादा डेटा, तो ज्यादा डेटा के लिए हमने क्या किया, दो तरह के स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। यूरोप में होता है ये वाला और यूएस में होता है 30B। तो यूरोप में हमने 23 बी चैनल्स को कंबाइन कर दिया, 23 बी चैनल्स मींस 23 × 64, और यूएस में क्या हो गया, 30 बी चैनल्स यूज करें, हर बी चैनल का 64 kbps, सो दैट विल बी 30 × 64। सो यहाँ पे हो गया 1.5 mbps और यहाँ पे हो गया अप्रोक्सीमेटली 2.2 mbps लगा लो ब्रॉडली। सो आप देख सकते हो इन नॉर्थ अमेरिका जापान 23 चैनल्स, अच्छा यूरोप में 30 चैनल्स और नॉर्थ अमेरिका और जापान में 23 चैनल्स। तो 23 चैनल्स आपने कंबाइन कर दिए ऑफ 64 kbps ईच, तो बैंडविड्थ हो गई 1.5 mbps, ये रही। और अगर आपने 30 चैनल को कंबाइन किया है तो दैट विल बी 2.048 mbps। ये कैसे बना, 30 बी चैनल को कंबाइन किया और एक डी चैनल को। वी डोंट यूज द ओवरहेड हियर इन प्राइमरी रेट इंटरफेस, वो हम विद इन द बी चैनल ही मैनेज करते हैं सारा कुछ। सो दैट कंक्लूड्स द ISDN। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज ISDN, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल सर्विसेज ओवर द सिंगल नेटवर्क, डेवलप्ड बाय द ITU-T, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर्स इन 1976। द मेन पर्पस वाज टू कैरी द वॉइस डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स बाय डिजिटाइजिंग digitizing the telephony. So three types of services are there: bearer services, the data services, tele services, the telephony services, and the elementary services, add-on services. So here you can have observe the different types of services. The principles of the ISDN: to support the voice and non-voice application, data or voice dono ko support karna, switched or non-switched dono applications ko use karna, 64 kbps basic aapki jo कनेक्ट नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको यूज करना, इंटेलिजेंस नेटवर्क, मल्टीपल सर्विसेज को मैनेज करना ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर यूज करना लाइक OSI मॉडल ताकि कंपैटिबिलिटी बनी रहे, एंड वैरायटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर। तो टाइप्स ऑफ डिवाइसेज एंड रेफरेंस पॉइंट, तीन तरह के डिवाइसेज होते हैं, टर्मिनल इक्विपमेंट जो एंड डिवाइसेज होते हैं,
टर्मिनल अडेप्टर्स जो नॉन ISDN डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एनालॉग नेटवर्क्स को डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं विद डिजिटल ISDN नेटवर्क एंड नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस NT1, जो आपके टर्मिनल मींस आपके एंड डिवाइस को कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ, और NT2 है जो आपके नेटवर्क टर्मिनेटर्स टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद तीन चार तरह के आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, इंटरफेसेस है, RST and U। R कनेक्ट करता है इंटरफेस नॉन ISDN डिवाइस को TA के साथ, टर्मिनल अडेप्टर के साथ, एंड S इंटरफेस इज यूज टू कनेक्ट द टर्मिनल अडेप्टर और SDN कंपेटेबल डिवाइसेस टू द NT2, एंड T इंटरफेस इज यूज टू कनेक्ट द NT2 टू NT1, एंड U इंटरफेस इज यूज टू कनेक्ट द NT1 विद द ISDN स्विच्ड, and multiple ISDN switched networks are connected through the packet network, private line network or switch network. Teen tarah ke channels hain, BDH, B is used to carry the data, bearer channel, D is used to carry the signal, and H is the hybrid channel. To do tarah ki services hain, basic rate interface jisme do hum bearer channels, B channels ko combine karte hain ek data channel ke sath, aur 48 kbps ka hum use karte hain overhead, और PRI जिसमें हम कंबाइन करते हैं अमेरिका और जापान में 23 चैनल्स को, और यूरोप में हम 30 चैनल्स को कंबाइन करते हैं, एक D चैनल यूज करते हैं सिग्नलिंग के लिए टू गेट द हाई डेटा रेट्स। सो दैट कंक्लूड्स टुडे सेशन। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा अबाउट द ISDN।